ईद उल अज़हा की आमद आमद, कुदरत भी हुई मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के शहर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। ईद उल अज़हा पर परदेसियों की फटाफट घर वापसी। लाल अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए, मुसाफिरों को मुश्किल। डाकू भी ईदी मुहिम पर निकल पड़े। शहर में 3 घंटों में 10 से ज्यादा वारदातें। कहीं घर का सफाया तो कहीं सरे बाजार, शहरियों को लूट लिया गया। मजाहमत पर डाकुओं ने खातून को मार दिया। यके बाद दीगे वारदातें भरने से शहरी खौफ में मुब्तला। मवेशी मंडियों में खरीदारों का हजूम उमड़ आया। सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश, भाव उतारो अरूज पर। सोशल मीडिया पर भी जानवर खरीदारी की सहूलत मौजूद। रंग, नस्ल, वजन और कीमत पसंद करें और ऑनलाइन ऑर्डर बुक कराएं। ईद पर चाकू छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी तेज। शहरियों का जानवर ज़िबह करने के लिए छुरियां तेज कराने के लिए रश। दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए। शहर की सफाई सुथराई, बड़ी ईद पर बड़े इंतजाम। 299 यूसी कैंप्स, 116 आरजी ट्रांसफर स्टेशन कायम। शहरियों में 21 लाख वेस्ट बैग तकसीम। ईद उल अज़हा पर शहर को साफ रखने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। मेयर लाहौर और चेयरमैन LWMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला इंतजामिया ने ईद के आयाम में कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने की इजाजत दे दी। 245 NGOs को NOC मिल गया। NGOs की सख्त स्क्रूटनी के बाद इजाजत दी गई, डिप्टी कमिश्नर। चुड़िया वाले बाबा उड़ान भर गए, नजम सेठी मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम ने एहसान मानी को चेयरमैन PCB नामजद कर दिया। इमरान खान कहते हैं चेयरमैन PCB के लिए आईनी तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे। एहसान मानी को इलेक्शन लड़कर चेयरमैन PCB बनना होगा। जो जिम्मेदारी दी गई इसे दयानतदारी से निभाऊंगा। एहसान मानी का कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरने का आज़्म। क्रिकेट में तब्दीली की हवा, मजीद अफसरान उड़ने को तैयार में हैं। नजम सेठी के बाद PCB के मजीद 4 अहदेदारों को फारिग करने का फैसला। नायला भट्टी, अमजद भट्टी, खयाम कैसर और ऑन जैदी को अहदों से हटाने का फैसला। तख्ते पंजाब पर कप्तान का खिलाड़ी काबिज। वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार ने अहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुकाम और PTA रहनुमाओं की शिरकत। बोले इमरान खान का सिपाही हूँ, दयानतदारी से काम करूंगा, कभी गलत काम किया ना किसी को करने दूंगा। निगरान वजीर आला हसन अस्करी ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नेपाल को शिकस्त पर सदर फुटबॉल फेडरेशन फैसल सालेह हयात खुश। नेपाल की रैंकिंग पाकिस्तान से 44 दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान ने बड़ी फतह हासिल की। 3 साल कब्जा माफिया ने खेल को बर्बाद किया, फैसल सालेह हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खातिन मुक्के का जोर आजमाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब इंटर डिविजन बॉक्सिंग वुमेन चैंपियनशिप की तैयारी। 77 बॉक्सिंग क्लब कला गुजर सिंह में ट्रायल्स का आगाज। लाहौर भर की खातिन खिलाड़ी की भरपूर शिरकत।